अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज बारिश का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है और जी बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत है। इस मौसम में दिल जाता है बाहर घूमें, बारिश को एंजॉय करें, और इसके अलावा पकौड़े या पकौड़ों से बनी हुई चीज़ें या कुछ डिफरेंट अच्छा सा खाएं। तो ये मैं बाहर गई हुई थी किसी काम से और बहुत ही खूबसूरत मौसम था, तो मैंने थोड़ी सी जी मौसम की वीडियो बना ली थी ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ कराची का, ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा। हर जगह भी बारिश हो रही है, कराची में भी बारिश हो रही है, तो ये जी हाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फूल पौधे, हर चीज़ निखरी निखरी हुई है। तो बेसिकली मैंने बारिश का भी बताना था और बारिश में आप लोग क्या बना रहे हैं ये भी बताना था। मैं बना रही हूँ कढ़ी, और इसके लिए मैंने प्याज, आलू, अगर आपके पास पालक है तो पालक नहीं थी, धनिया पुदीना डाला है, और इसमें कुटा हुआ जो पकौड़ों का मसाला बनाते हैं वो था, नमक था और सोडा, और उसमें बेसन डाल के मैंने बेसन को घोल दिया है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ठीक है। ये उसके बाद मैंने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले मैंने जो कढ़ी का मिक्सचर बनाते हैं वो बना के चढ़ा दिया था, वो अभी आपको आगे मिलेगा। ये देखिए पकोड़े मैंने बना लिए हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए, छोटे मतलब नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। देखिए मैंने इस तरह इसमें दही में लाल मिर्च, हल्दी, नमक और पानी डाल के इसको और इसमें बेसन मिला के आपको जितनी क्वांटिटी बनानी हो उसके हिसाब से बना के इसको अपने पानी मिला के उसको चढ़ा देना होता है। इसके बाद आप पकोड़े फ्राई करके और इसमें अच्छी तरह पक जाएगा तो आपने डाल देना। इसमें आप तड़का लगाएंगे, इसमें प्याज है, गोल वाली लाल मिर्चें क्या कहते हैं दुकनी मिर्च, और इसमें ज़ीरा, इसका हम भगार लगाएंगे। ये देखें फ्राई हो रहे हैं, फ्राई होके मैं इसके अंदर पहले पकोड़े डाले थे उसको दम दिया था, और जब आपको लगे कड़ी सही है तो उसके बाद आप भगार लगा देंगे। और ये इतने मज़े की बनी थी कड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी और बहुत कम भी नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत ही यम्मी बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। देखें ये लोग का, और बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा मिर्चें भी नहीं थी और बहुत गाढ़ी भी नहीं थी, बहुत पतली भी नहीं थी, नॉर्मल थी कि आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने बारिश को कैसे इंजॉय किया और बारिश में क्या क्या बनाया है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ, देखिए पकौड़ा कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि जब आप पकोड़े बना के कढ़ी के अंदर डाल देते हैं, मतलब जो कढ़ी वाला हमने मिक्सर बनाया हो तो इसमें डाल के ढक्कन रख देते हैं ना, तो पकोड़े बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा कोई उसमें टेस्ट आता है, वो सारा मिक्सर उसके अंदर सॉक कर लेते हैं और बहुत अच्छी और टेस्टी कढ़ी बनती है। तो जिनको कढ़ी पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी कढ़ी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही यमी थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।